नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक मीडिया, मैं हूँ तेज साहू। आज हम हैं अमरकंटक से, थोड़े जो है पहले जब छत्तीसगढ़ से जब हम आते हैं तो बॉर्डर वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पे, अब जब आएंगे तो एक दुर्गाधारा है, दुर्गाधारा में जब आश्रम, दुर्गाधारा आश्रम है, यहाँ की जो कहानी है स्वामी जी की जुबानी हम लोग जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। महाराज जी, हमारा नाम स्वामी देवचेतन, मृत्युंजय आश्रम से जुड़े हुए हैं हम। गुरुजी स्वामी शारदानंद सरस्वती जी, छोटे गुरुजी स्वामी हरिहरानंद सरस्वती, ये स्वामी आत्मानंद जी महाराज जी थे। उन्होंने यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा दुर्गा माता की कराई थी और फिर वो यहाँ देखे शांत हो गए शरीर उनका, तो यहाँ की देख रेख स्वामी देव चेतनी कर रहे हैं अभी। और ये बॉर्डर पड़ता है 2 किलोमीटर आगे से एमपी लग जाता हो, यहाँ ये छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हम लोग। दुर्गाधारा का क्या कहानी है? जो ये अमरेश्वर महादेव से जल आता है और आगे जाके अमरावती नदी में, तो यहाँ बहुत महत्व मानते हैं लोग और स्नान करने आते हैं। टूरिस्ट बाहर के ज़्यादा आते हैं यहाँ पर, तो टूरिस्ट आते ही रहते, खूब भीड़ भाड़ रहती है। तो यहाँ पे जब हम आए तो आकर्षण का केंद्र था कि यहाँ पे सिंदूर का जो फल जैसा था, इसके बारे में बताएं महाराज जी। ये सिंदूर कहते, वो तो ये ओरिजिनल पेड़ हमारे पे है, यहाँ है, यहाँ लोग बड़े सम्मान से लगा के जाते हैं कि ओरिजिनल सिंदूर का पेड़ है। और भी पौधे लगा रहे हैं हम। इसको लेकर जब ये होता है, आप ये कर रहे थे इसमें, हाँ घिस रहे थे। अब ये घिस के, अब ये देखो प्योर दाना है जो, ये प्योर सिंदूर बन गया है। और ये बड़े उससे लगाते हैं लोग, ले भी जाते हैं यहाँ। और आप लगा भी रहे थे? और लगा भी रहे। जय माँ दुर्गे। हमारे साथ स्वामी जी है, स्वामी जी से हम लोगों ने बात की है दुर्गाधारा के बारे में। आप यदि छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ आते हैं तो बॉर्डर में दुर्गाधारा जो आश्रम पड़ता है, आश्रम में महाराज स्वामी जी मिल जाएंगे आपको। द लोक मीडिया के माध्यम से हम एक यात्रा में निकले हुए थे, छत्तीसगढ़ से होते हुए मध्य प्रदेश की ओर है, अमरकंटक यात्रा में है। सजदी साहब साथ में है, कैमरे के पीछे है, मैं हूँ तेज साहू, आप देख रहे द लोक मीडिया। धन्यवाद।